नमस्कार दर्शकों, डेली गान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं परेश रावल जी के बारे में। परेश रावल जी के जीवन के बारे में जानेंगे और उनकी कॉमेडी और एक्टिंग से तो हर कोई वाकिफ है। उनकी जबरदस्त एक्टिंग और कॉमेडी के दम पर उन्होंने हर किसी के दिल पर राज किया है। दर्शकों, अगर आपने उनकी फिल्में देखी हो तो समझ सकेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दर्शकों, आपको पता होगा कि या आपने देखा होगा, परेश रावल जी को आज तक कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। दर्शकों, ऐसा क्यों किया जाता है? इतनी जबरदस्त एक्टिंग करने के बावजूद उन्हें आज तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया। परेश रावल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें हर किसी भूमिका में आप देख सकेंगे, चाहे वो कॉमेडी हो, विलन हो या हीरो के किरदार में हो, वो हर किसी किरदार को बखूबी निभाते हैं। लेकिन जान के आश्चर्य होता है कि उन्हें आज तक कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा कि पिक्चर के हीरो को ही हमेशा अवार्ड दिया जाता है, उनकी एक्टिंग के दम पर उन्हें अवार्ड दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन परेश रावल जैसे भी कई एक्टर हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे इन एक्टरों को, लेकिन इन एक्टरों को बहुत कम अवार्ड, बहुत ही कम अवार्ड, ना ही कोई नेशनल अवार्ड, ना ही कोई फिल्म फेयर, ना ऐसा कोई अवार्ड नहीं दिया जाता जिससे इनका मनोबल बढ़े। आपने देखा होगा जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कादर खान, परेश रावल जी जैसे एक्टरों को बहुत कम अवार्ड दिए जाते हैं, जबकि इनकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मनवा चुका है। दर्शकों, आज हम परेश रावल जी के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके संघर्ष भरे स्ट्रगल लाइफ और मोटिवेशनल स्टोरी को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दर्शकों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देश का असली सच और देश से जुड़ी बेसिक नॉलेज आपको इधर ही मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। प्लीज़ दर्शकों, अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दर्शकों, जान लेते हैं परेश रावल जी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। परेश रावल जी का जन्म 30 मई 1950 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। ये बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बीजेपी की सीट से अहमदाबाद के सांसद भी रह चुके हैं, साथ ही वे एक राजनेता भी हैं। आपको बता दूं, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लियोनेस जुहू स्कूल से की थी, लेकिन उनका पढ़ाई में मन ना लगते हुए उनकी प्रिंसिपल ने एक बार उनसे ये कहा था कि तुम पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी, जिसमें आपको रुचि हो उसमें आपको जी जान से काम करना चाहिए। जिसके बाद परेश रावल जी ने समझदारी दिखाते हुए पढ़ाई को अलविदा कह दिया और एक्टिंग करियर शुरू कर दिया। परेश रावल जी ने एक्टिंग के प्रति रुचि दिखाई, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर में कदम रखने की ठान ली। परेश रावल जी का एक्टर बनने का सपना जब थोड़ा पूरा होता हुआ दिखा, जब वे 12 साल के थे, तब से उन्होंने एक्टिंग में कदम रख दिया। शुरुआत से ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच हंसने मुस्कुराने वाले और कॉमेडी करने वाले व्यक्ति थे। आपको बता दूं, वे एक हंसमुख व्यक्ति हैं परेश रावल जी, साथ ही वे आसपास रहने वाले सभी लोगों को पसंद करते हैं। इस वजह से उन्हें बहुत से बड़े बड़े एक्टर अपना साथी और अपना जिगरी मानते हैं। आपको बता दूं, कुछ समय बाद उन्होंने अपने अभिनेता बनने के सपने को साकार करने के लिए और पैसे कमाने के लिए थिएटर ज्वाइन कर लिया और काफ़ी समय तक उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। लेकिन वह कुछ बड़ा करना चाहते थे और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते थे। इस वजह से वह बहुत से लोगों से मिले, जिन लोगों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और कुछ लोगों ने उनकी प्रतिभा को ठोकर मार दी और उनकी काबिलियत को नहीं पहचाना। लेकिन वह हार नहीं मानते थे और वह और दूसरी जगह जाकर ऑडिशन देते थे, जिसके बाद वह मानते थे कि मैं जितनी बार हारूंगा उतनी बार खड़ा होऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास रहने वाले लोगों से इतना मोटिवेट होते थे कि उन्होंने अपने हार मानने का तो नाम ही नहीं पैदा होता। इस वजह से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में इतनी सफलता पाई है। एक निर्देशक की नज़र उन पर पड़ी, जब निर्देशक ने परेश रावल जी की एक्टिंग देखी तो वह भी देखकर हैरान हो गए कि इतना बड़ा टैलेंट अभी तक छुपा कैसे रहा। उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें काम दिया और इस मौके से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। आपको बता दें, उनकी इस फिल्म का नाम था अर्जुन, जो बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी। इस फिल्म से उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली, जिसके बाद उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और उन पर बहुत सी फिल्म करने के ऑफर भी आने लगे। आपको बता दूं, फिर उन्होंने सलमान खान की अंदाज अपना अपना से शुरुआत की। उन्होंने विलन की भूमिका भी निभाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वीट से दिखने वाले परेश रावल जी ने विलन जैसे रोल भी बड़े बखूबी निभाए हैं। साथ ही आपने उनकी कॉमेडी तो देखी होगी हेरा फेरी में। हेरा फेरी के बाद से उन्हें इतना
पसंद किया जाने लगा कि उनकी एक्टिंग के लिए उनकी पिक्चर आते ही लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। दर्शकों ये थी स्टोरी परेश रावल जी की। ऐसी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दर्शकों।